हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए एक नया वीडियो लेके। मैं दीप छात्रा एंड आप देख रहे ओनली फॉर डिजाइन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो पे। वीडियो पे हम पहले आज दिखाने वाले, देखिए ये वाला। अगर हम होवर करें इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा सा स्क्रॉलिंग इफेक्ट हो रहा है। अगर होवर करें तो देख रहे हैं ना, अगर हम होवर करें तो बहुत अच्छा सा एक स्क्रॉलिंग इफेक्ट हो रहा है। तो आज ये वाला बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेंगे हम। फोल्डर का नाम देंगे होवर। ओके, एक फोल्डर बना लिया होवर। तो हम सबलाइन में ओपन करते हैं। सबलाइन में ओपन कर लिया, इसको सेव करेंगे होवर पे। और इसको हम सेव करेंगे index.html के नाम से, दे दिया। देन इसके स्ट्रक्चर हम ले लेंगे, स्ट्रक्चर दे दिया, आ गया। देन CSS होवर इफेक्ट, ओके। देन एक और एक लेंगे, इसको सेव करेंगे स्टाइल बोले .css बोल के। देन इसको भी सेव कर लिया एंड इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। HTML फाइल में लिंक कर लेते हैं style.css। ओके, तो हम ये फाइल को इसमें लिंक कर लिया। तो चलिए, एक हमारे पास एक इमेज है, हम जो पहले वाला इमेज यूज किए थे वो दो इमेज हम इस फोल्डर से ले लेते हैं। इमेज फोल्डर को ही कॉपी कर लेते हैं। इसमें दो इमेज है, हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए। देख रहे थे कौन सा इमेज है। देखिए, एक डेस्कटॉप का इमेज है एंड एक पोर्टफोलियो का इमेज है। ठीक है, एक पोर्टफोलियो का इमेज है। तो इसमें एक एक पहला हम डीप लेंगे, डीप क्लास। उसके बाद क्लास हम देंगे मेन, दे दिया। उसके अंदर फिर से एक क्लास लेंगे, ओके, डेस्कटॉप बोल के। डीप क्लास डेस्कटॉप। तो हमने दोनों ले लिया। तो मेन को कॉपी कर रहे हैं, मेन का स्टाइल करेंगे। पहले हम बॉडी के अंदर देंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बैकग्राउंड ब्लैक दे रहे हैं हम पहले। एंड डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, वो वाला फाइल हमने नहीं खोले, फाइल को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ब्लैक आ गया। ठीक है, तो ये ब्लैक को हम क्या करेंगे, कलर इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करके बॉडी से अच्छी एक ये वाला अच्छी कलर है हमने सिलेक्ट कर लिया। देन हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। तो मेरा बॉडी का कलर भी हो गया, तो चलिए का भी हो गया बॉडी। देन डेस्कटॉप मेन को लिखेंगे इसमें, मेन। मेन को हम बीच में लाएंगे, पहले सबसे पहले काम है बीच में लाना उसको, ओके। तो हम उसको देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50% लेफ्ट 50% एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%। तो ये मेरा हो गया -50% करके हमने ले लिया। तो ये देखिए बीच में आ गया। तो अभी वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं, इसलिए बीच में नहीं आएगा। तो उसके अंदर हम देंगे डेस्कटॉप बोल के, जो हमने क्लास को बनाया था ना, ये वाला क्लास, इसके अंदर हम एक पिक्चर देंगे। तो चलिए देखते हैं
तो हम पिक्चर पहले देंगे विथ हाइट देंगे, विथ देंगे 600 पिक्सल एंड हाइट देंगे 400 पिक्सल। ओके, बैकग्राउंड URL इमेज के अंदर, इमेज के अंदर कौन सा इमेज है, bg.png बोल के, ठीक है। चलिए हम एक बार रिफ्रेश मार रहे हैं, यहाँ पे देखिए आ गया, तो मेरा बैकग्राउंड बोल के ये भी आ गया डेस्कटॉप। हम यहाँ से कुछ कोड लिखते हैं, बैकग्राउंड साइज 100%, बैकग्राउंड रिम्यू रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ओके, तो ये हो गया मेरा काम, तो इसको हम कॉपी कर रहे हैं, देन यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दे रहे हैं के ऊपर। तो ये मेरा फास्ट काम हो गया। एंड इस पे देंगे पोजीशन रिलेटिव, देन अभी हमको इसके अंदर और एक क्लास लेना है सेव। हम डेस्कटॉप के अंदर एक और एक क्लास लेंगे, ठीक है, क्लास का नाम देंगे डीप क्लास, क्लास का नाम देंगे स्कॉल, स्कॉल आईएमजी इमेज, क्लास का नाम दे रहे स्कॉल आईएमजी। सो डेस्कटॉप पहले एक मेन बोल के एक फोल्डर लिया, उसके अंदर हम उसको बीच में लाए, उसके अंदर एक डेस्कटॉप बोल के एक डीप लिया, जिसके अंदर हम एक पिक्चर लाए, डेस्कटॉप का पिक्चर दिए। एंड इसके अंदर हम एक और एक डीप ले रहा हूं, जिसको दे रहा है स्कॉल इमेज बोल के नाम। इस पे क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो इमेज स्कॉल होगा वो वाला इमेज हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो इसका पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट टॉप जीरो लेफ्ट जीरो दे दिया। ओके, देन बैकग्राउंड URL इमेज के अंदर कौन सा इमेज है, miss.jpg। ओके, सो हम एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं, नहीं आया miss.jpg, ठीक है। हम देख रहे हैं इस पे करके स्कॉल, कभी विथ हाइट देना पड़ेगा, विथ 600 पिक्सल एंड हाइट 400 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं आ गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, विथ हाइट थोड़ा डेस्कटॉप के अंदर लाना पड़ेगा, तो विथ को हम छोटा कर रहे हैं, विथ को छोटा किया, हाइट को भी छोटा कर रहा हूं, ओके, हाइट छोटा किया, टॉप से छोटा नीचे लाऊंगा, टॉप से नीचे लाया, देन हाइट फिर से छोटा किया, हाइट और छोटा। हमको ये जो ब्लैंक बॉक्स डेस्कटॉप है इसके अंदर इसको लाना है, तो लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से हाइट को छोटा कर रहा हूं इतना, ओके, देन बैकग्राउंड साइज 100%, आप देख रहे हैं, तो पूरा आ गया। तो इसको कॉपी एंड यहां पे पेस्ट, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है, हो गया सिंपल सा। जस्ट देंगे बैकग्राउंड पोजीशन, टॉप, एंड जब इस पे हम होवर करें, देन देखिए बैकग्राउंड पोजीशन बॉटम,
ओके तो हो गया मेरा काम, इतना सा काम है, बहुत आसान है। देन रिफ्रेश, देखिए आ रहा है, नीचे चला जा रहा है। तो लेकिन ये क्या हो रहा है, बहुत बहुत जल्दी में हो रहा है, तो हमको थोड़ा ट्रांजिशन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं ट्रांजिशन ऑल 0.8 सेकेंड, नहीं पॉइंट हम ओनली 5 सेकेंड दे रहे हैं। ओके देन हम रिफ्रेश दे रहे हैं यहाँ पे, दे 5 सेकेंड भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे 8 सेकेंड दे रहे हैं। पॉइंट पॉइंट नहीं दिया, ओनली 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं देख सकते हैं कैसा बनाया, एक अच्छा सिंपल सा एक वीडियो है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए हवा, जब हवा कर रहा हूं तो धीरे धीरे से ऊपर जा रहा है, जब माउस हटा रहा हूं तो धीरे धीरे से नीचे आ रहा है। तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए मुझे, और भी हम ग्रो करें और भी नया नया चीज लाए। अगर आपको कुछ जानना है तो पूछना है, तो कुछ वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। प्लीज जो जो देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं नया वीडियो में।